शुरू हुई थी, 3 दिन की ये टूर्नामेंट थी। इसमें डबल पेयर जो खेले थे वो 20 थे और जो सिंगल पेयर खेले थे वो 32 थे। सर इससे ये हमारा सीजन 2 है, हमारे लास्ट ईयर भी फर्स्ट सीजन में टूर्नामेंट हुई थी। जो भी प्लेयर यहाँ पे अच्छा खेलता है, जो टूर्नामेंट्स बड़ी यहाँ पे जम्मू प्रोविंस में वहाँ पे होती है ना, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में वगैरह, तो उधर हम यहाँ से प्लेयर भेजते हैं और हमारे प्लेयर काफ़ी वहाँ से अच्छा मैचेस खेल के वहाँ से आते हैं। प्रिंसिपल काउंसिल अशोक शर्मा, काउंसिलर प्रिंसिपल काउंसिल तहसील, और उनके साथ तमाम लोग जो आए हैं उनका सबका हम तह दिल से स्वागत करते हैं। ध्यान में भी इन्होंने, ऑर्गेनाइजर्स ने जब मुझे इनवाइट करने आए थे तो इन्होंने मेरे ध्यान में लाई थी। मैं ये कहूँगा कि ये नया स्टेडियम हमारा बन के तैयार हुआ है। स्पोर्ट्स काउंसिल को भी मैं कहूँगा कि वो एक या दो मुलाजम कम से कम यहाँ पे अपने रखें जो परमानेंटली इसकी केयर करें, इसका ध्यान रखें, और जो बेसिक नेसेसिटी जैसे यहाँ पे पानी की आपने बात की और टॉयलेट्स चाहे उसकी मेंटेनेंस की बात हो, तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहूंगा और म्यूनसिपैलिटी के जो हमारे चेयरमैन हैं उनके ध्यान में भी लाऊंगा कि इसके तरफ वो प्रॉपर इंटेंशन दें और ताकि जो हमारे स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए, खास तौर पर पानी की और जो टॉयलेट कम्प्लेक्स वगैरह है उनकी मेंटेनेंस। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैडमिंटन स्पोर्ट्स क्लब रियासी का जिन्होंने इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट करवाई है। तो बात मैचेस की नहीं है, दो भी होते या तीन भी होते खेलने तो थे, पर हम आगे से यही कोशिश करेंगे कि जो सेमीफाइनल्स मैच होंगे वो एक दिन पहले करवा दिए जाएँ और जो फाइनल्स होंगे वो एक ही दिन रखे जाएँ। इससे क्या होता है, जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है तो कोशिश यही रहती है कि कम से कम मैच खेले जाएँ और बीच में रेस्ट मिल जाए। हमारे काउंसलर अमित जी, अशोक जी और बाकी यहाँ जो हमारे ये बैडमिंटन स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन विनोद जी, वाइस प्रेसिडेंट आशीष जी और जनरल सेक्रेटरी सुमित जी, ऑर्गेनाइजर जितने भी, जीश केसर जी और जितने भी ये लोग हैं, और इसके साथ ही हमारे स्पोर्ट्स के सारे बच्चे, हमारे नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ स्पोर्ट्स क्लब की सारी टीम को, इनके ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इतनी बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज की, और ख़ास तौर पर जो हमारे नौजवान रियासी के युवा बच्चे हैं उनको यहाँ पे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। ये तो पिछले साल से स्टार्ट हुई है, ये जो हमारी ये टूर्नामेंट है, आज ये इसका पार्ट 2 जो है इस साल हुआ, और फाइनल मैच जब स्टार्ट हुआ, ये मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मेरे से ही इन्होंने ये इसका जो है शुरुआत करवाई थी, और आज समापन भी है, मैं इसमें भी गवाह हूँ, इसमें भी टीम का बैडमिंटन जो स्पोर्ट्स क्लब है इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा ही अच्छा मैच जो है जो आज देखने को मिला, ख़ास तौर पर ये सुमित जी और ये हमारे जो शिवम जी, बहुत ही बढ़िया खेला, और इनके साथ जो दूसरे रनर अप रहे अनिल मास्टर जी और हमारे विनोद जी, बहुत क्लोज और बहुत ही अच्छी खेल रहे थे और अपना 100% दिया, देखने वालों को भी पूरा मज़ा आ रहा था, मैं देख रहा था पूरा लुत्फ़ उठा रहा। इसके बाद जो सिंगल हुआ उसमें भी मैं कहूँगा बड़ी क्लोज गेम हुई और बड़े अच्छे तरीके से, इतनी गर्मी में भी, जहाँ जबकि स्टैमिने की भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये गेम ऐसी है इसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है, तो लेकिन फिर भी मैं देखूँ कि इन्होंने अपना 100% दे के बेस्ट खेला और बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे हमें बैडमिंटन देखने को मिला, बढ़िया हमें यहाँ पे ये गेम देखने को मिले, और हमारे नौजवान जो बच्चे खास तौर पर छोटे छोटे मैं देख रहा था, ये भी आने वाले हमारे प्लेयर्स हैं कल को, और ये भी आज यहाँ बड़े शौक से यहाँ देख रहे थे, मैं बात कर रहा था, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप जो है ये मैं कहूँगा बैडमिंटन स्पोर्ट्स क्लब के लोगों ने यहाँ पे शुरू किया है। बाकी जो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, इस नया स्टेडियम हमने यहाँ पे जो बनवाया है
इसमें शुरुआत तो हुई है, लेकिन अभी स्पोर्ट्स काउंसिल के लोग यहाँ मुलाजिम नहीं हैं। कुछ बहुत दिक्कतें हैं जो मेरे ध्यान में भी आई हैं, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में वो दिक्कतें जो है कम्प्लेक्स जो है उनकी मेंटेनेंस हो, पानी वगैरह की भी जहाँ पे जो दिक्कत है वो भी ठीक हो। इसके लिए हम पूरी कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलेंगे और यही कह